सनातन धर्म पे जो आघात कर रहे हैं उसका उनको जवाब देना है, उनको समझना है, उनको समझाना है कि सत्य धर्म सत्य है और सत्य में आधारित है। और आज जिस प्रकार से कुछ लोग आक्षेपित करने का प्रयास कर रहे हैं, जबरदस्ती अन्नदान प्रलाप कर रहे हैं, आज आवश्यकता है उनको सत्य का से अवगत कराया जाए कि सत्य के साथ ज्यादातर लोग हैं, लेकिन ये पत्थर मारने वाले कुछ एक लोग हैं जो आए सामने खुलेआम आए और बोले और जवाब ले। ये जो सनातन धर्म पे बार बार ये जो टारगेट होता है, कभी हालेलुया के ऊपर तो कभी, और इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हाथी चलत बाजार में कुत्ता भौंक हजार, ये कबीर दास ने आज से नहीं बोला, 500 साल पहले बोला था। और लगातार जिस प्रकार से लोग किसी बड़ी चीज पर ही आघात करेंगे, छोटी चीज पर कौन आघात कर सकता है? आज अपने को, अपने आप को पब्लिसिटी देने के लिए, अपने आप को संसार को दिखाने के लिए हम भी हैं कि उसी आघात किया जा रहा है जो आज राम पर आघात कर रहे हैं, जो रामचरितमानस पे आघात कर रहे हैं, संत समाज पे आघात कर रहे हैं। उन खुद का औचित्य क्या है? वो अपनी राजनीति संरक्षण प्राप्त करने के लिए, राजनीतिक में लाभ लेने के लिए, क्षणिक लाभ लेने के लिए, न्यूज में बनने के लिए, उसीलिए ये सब कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। जनता समझती है, सब जनमानस के बारे में पता है, किसी के कहने से राम असत्य नहीं हो जाएगा, किसी के कहने से सनातन धर्म में अवैज्ञानिक नहीं हो जाएगा। कि आज समस्या ये है कि इस देश में कोई ये मानने को, इस देश में कुछ लोग हैं जो सामने पूरी तरह से विधर्मी है, अधर्म पर डिपेंड करते हैं, उन पर कोई उंगली उठाने का प्रयास नहीं कर सकता है। क्यों डरते हैं? सत्य सनातन धर्म एक चींटी तक की रक्षा करने की बात करता है, तो इसलिए हमारे लिए तो सब जगह, हमारे हमने तो चारवाक को भी नहीं पीटा, चारवाक यावत जीवे सुगम जीवे धनम कृत्वा गतम पिबे, उनको भी हमने स्वीकार किया, उनको भी स्थान दिया। तो हर एक को जीवे इस संसार में स्थान जीने की आज्ञा है, जीने का अधिकार है, तो इसलिए हर एक को जिए, सब आनंद से जिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सत्य को भी समझे। हाल फिलहाल में पंडित नरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी, उनको पहले कहा था अंधविश्वास फैलाने वाले बाबा, फिर उन्हें एक यज्ञ के बाद में कहा गया कि आतंकवादी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अरे देखिए, अगर आप अंधविश्वास फैलाने वाले होते तो सामने आए ना, प्रमाणित करने का प्रयास करें। आज पूरे देश के मीडिया ने, एक मीडिया एक ऐसी चीज होती है जो सत्य सामने ला देता है, असत्य के साथ बहुत देर तक नहीं होता। आज पूरे देश के मीडिया ने, भारत में पहली बार हुआ है कि किसी व्यक्ति का साथ दिया है, किसी व्यक्ति के सत्य को सामने लाया है। और आज जब कुछ लोग हैं जो आक्षेपित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मीडिया ने पूरे देश के सामने सत्य ला दिया है, अब उस पर ज्यादा बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले एक मीडिया एजेंसी गई थी नागपुर में उनका शोध करने, तो वहाँ से बागेश्वर धाम बाबा जी भाग गए थे, ऐसे आरोप लगाए गए थे। उन्होंने आके खुद जवाब दिया इस बात का, कहीं भागे नहीं थे, कथा जितने दिन की थी वहाँ कथा चल रही थी। और उसके बाद किसी को पूरे मीडिया में बड़े बड़े पत्रकारों ने वहाँ जाके सत्य को देखा है, अब उसमें भागने वाली बात कहाँ से हमने आती है? अब लगातार छोटे छोटे लोग पॉकेट में बैठे हुए, वो अपने घर से, अपने मीडिया के कैमरे से, अपने सोशल मीडिया से कुछ भी बोल देते हैं। आए सामने, यहाँ सामने पत्ते के सामने है, आगे जिसको दिक्कत है आगे देखिए, जनता भी सामने है, सत्य सामने है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। हम तो सत्य अंत जुटा वाले गैंग वाले व्यक्ति है नहीं, तो आगे सबको बातचीत करने का रास्ता दे रहे हैं, आए बातचीत करें, रास्ता सब सामने आ जाएगा। बागेश्वर धाम अपने आप को कहते हैं कि उनपे बालाजी की अटूट कृपा है, और हमने एक उनके कथा में सुना था कि एक वो महिला को कह रहे थे कि महिला तुम संभल जाओ, तुम हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं, संभल जाओ तुम, एक महिला के बारे में ऐसी टिप्पणी करना उचित है या अनुचित है? देखिए, एक बात समझाए, पहले तो समझ रहे भगवान जी कृपा आप पे नहीं है क्या? आप पर भी भगवान की कृपा होगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि उनपे बालाजी की कृपा है, वो चमत्कारी है। नहीं है बालाजी की कृपा, आप पर भी है ना? हम पर हाँ, लेकिन हम किसी पे ऐसा एलिगेशन नहीं लगाते, एलिगेशन की बात नहीं है ना। अगर कोई सामने पूछने गया है कोई बात, और उनके कोई सत्य में सामने आ रही है बात, तो उनको यही कहा गया है। आज किसी व्यक्ति के पास जज के सामने कोई जाता है व्यक्ति, तो कहता है ना कि अपने मनोभाव, वेद भी कहता है मनोभाव, आपके माता पिता भी कहते होंगे बंदा बन जा, तो मनोबनने की बात की जा रही है, कोई डराने की बात नहीं की जा रही है, अपने गलत बातों को छोड़कर सत्य की तरफ चलना चाहिए, यही कहा गया है। किसी को डराने के लिए, कोई धमकाने के लिए, कुछ मारपीट करने के लिए थोड़ी कहा गया है, मनोभाव करने की बात की जा रही है कि बंदा बन जा, मनो की काम करो, यही बात की जा रही है। एक बाबा का भड़काऊ भाषण देना, कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे, फायदे में क्यों रहोगे? आज लगातार बाबा ने बोली है ये बात, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। जो बाबा ने बोली है वो इसलिए बोली है ना कि कुछ लोग लगातार पत्थर मारे जा रहे हैं, जवाब समझ नहीं रहे हैं, तो उनको भी जवाब समझना चाहिए। एक हमारे वाक्य कहा गया, शटे शाठ्यम समाचरित, जो बात है शैतान है, लातों की बात मानते हैं, जो लातों के भूत है बातों से मानने वाले नहीं है, तो उनको दंड भी दिखाया जाता है। दंड दिखाना एक नियम है, पुलिस वाला भी डंडा लेके चलता है।
पुलिस वाला मारता नहीं है, डंडा मारने के लिए नहीं होता है, दिखाने के लिए भी होता है, जो आदत आई है वो डंडे के डर से डर जाती है। एक कथा के दौरान बागेश्वर धाम बाबा ने ये बोला कि मैंने कल रावण को फोन लगाया और रावण से हमने पूछा कैसे है भाई, वो डर गया और बाबा ने ये बात बोली कि तुम अपने कौन से मुंह से बात कर रहे हो, क्या कलयुग में ऐसी चीजें अंधविश्वास नहीं है? आप स्टेज पे है, आप अपने बात को रखने के लिए स्टेज के माध्यम से बहुत सारी बातें की जाती है। तो बाबा की कला, तो बाबा की कला उनकी है, वो कैसे बांध रहा है, कैसे उनकी अपनी बात रखनी है, कला का तरीका है, उनके अपनी एक तरीका है बात करने का, उस पर आक्षेप करना ठीक नहीं होगा। तो बाबा का स्टेज को संभालने का तरीका है, वो मंच को जिस तरह संभालते हैं वो उन्हें संभाल रखा है, पांच पांच लोग लाख लोग और बैठते हैं और उनको उस स्टेज को संभालना अच्छे से आता है, वो कैसे संभाल। यदि बाबा के ऊपर जो आरोप लगे अंधविश्वास फैलाने के, यदि ये प्रूव हो जाते हैं तो? जब अंधविश्वास होगा तो प्रूव होगा, विश्वास के बाद विश्वास ही है ना, लोगों का विश्वास है, अगर अंधविश्वास किसी तर्क में ठहरे तो वो बात कोई दिक्कत ही नहीं है, न्याय है, न्याय में सबको साथ है, इस देश में जो न्याय ने किया है सारे देश ने न्याय का साथ दिया, न्यायालय के विरुद्ध कोई नहीं गया, लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी ओबीसी जैसे लोग न्यायालय के बाहर जाकर भी न्यायालय को गाली दे रहे हैं, हम तो न्याय का सम्मान कर रहे हैं, न्याय में जो हुआ है सत्य सनातन धर्म न्याय को मानसा को पूरी तरह साथ देता है और न्याय के विरुद्ध नहीं जाते। आज आप